तो अब जब आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक कर ही दिया है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि या तो आपका रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है या फिर आप अब आज भी ब्रेकअप के बाद वो सारी गलतियां कर रहे हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब के वो डाउट्स क्लियर करूंगा जो आपको ब्रेकअप के बाद नहीं करनी चाहिए और उन गलतियों से बचना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे YouTube चैनल लव एक्सप्रेस बाय नितेश में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नितेश और मैं आपको बता दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपके पास भी है कोई पर्सनल या प्राइवेट सवाल जो आप पब्लिकली मुझसे नहीं पूछ सकते हैं तो आप दिए गए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर अपनी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं मुझसे डायरेक्टली बात करके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो कि नितेश ओमर है, आप इंस्टाग्राम आईडी पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी इंस्टाग्राम पे एक नया रेगुलर बेसिस पे प्रोग्राम लेके आने वाला हूं जो आप सभी को मुझसे डायरेक्टली कनेक्टिव तो रखेगा ही, साथ में आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करके आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट इंस्टाग्राम पे मिलेगा। तो बिना किसी देरी के फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि जो इंसान आपको चीट करके धोखा देके आपसे ब्रेकअप करके चला गया, रिश्ते की शुरुआत में तो बहुत कसमें वादे खाए थे, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बिना वैसा नहीं कर सकता, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। लेकिन आज उन सारे वादों, उन सारी खाई गई कसमों की धज्जियां उड़ा के वो इंसान चला गया आपकी लाइफ से और आज आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इधर उधर फॉलो कर रहे हो लोगों को केवल इसलिए कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए और साथ ही साथ आप ये चाह रहे हो कि किसी ना किसी तरीके से वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो सबसे पहली गलती ये है कि आप उस इंसान को अपनी लाइफ में बिल्कुल वापस लाने की कोशिश ना करें जो आपको चीट करके चला गया है। याद रखिएगा, जो अपने कसमे वादों को पहले से ही तोड़ के जा चुका है वो फिर आपको दोबारा अगर आपकी लाइफ में आ गया तो ये मौका आप उसे देंगे कि वो फिर से आपको चीट कर ले। क्योंकि जिसने आपके आंसुओं की कदर नहीं की, जिसने आपके प्यार की कदर नहीं की, जिसने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आ भी जाएगा तो वो आपकी कितनी वैल्यू रख लेगा। इसलिए उस पर्सन के सामने रोना, गिड़गिड़ाना और भीख मांगना अपने ही प्यार की बंद कर दीजिए, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग तो नए नए नंबर से फेक फर्जी आईडी बना के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे उसको ट्रेस करते हैं, डीपी देखते हैं, स्टक करते हैं, वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ है। तो एक बात याद रखिएगा, घर से जब आप कूड़े को बाहर फेंक देते हैं तो आप कुर्सी लगा के उस कूड़ेदान के पास बैठ के ये नहीं देखते हैं कि उस कूड़े को कौन लेके जा रहा है। कोई गाड़ी में भर के लेके जा रहा है, कोई म्युनिसिपल पार्टी की गाड़ी आके उसको लेके जा रही है, या उस कूड़े को आग लगाया जा रहा है, आप तो उस कूड़े को वहां फेंक के चले जाते हैं ना। तो जो इंसान आपको चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, जिसने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, वो आपके लिए कूड़े के समान ही है, उसको आप फेंक के अलग हो जाइए। बिल्कुल उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसको लगातार सोशल मीडिया पर स्टक करने की जरूरत ही नहीं है। अमूमन लोग ये गलती करते हैं और लगातार बेसिस पे करते चले जाते हैं जिसके कारण उनकी लाइफ स्टक हो जाती है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा एक कॉमन गलती है कि लोग अगर अनब्लॉक रहते हैं, मान लीजिए आपका पार्टनर आपकी लाइफ से चला गया, आपकी बातचीत बंद है, बिल्कुल बंद है और कई दिनों से बंद है, फिर भी आपको उसने ब्लॉक नहीं किया है, तो आप क्या करते हो, या तो बार बार उसको मैसेज करके इरिटेट करते हो सो देट के वो आपको फिर से ब्लॉक कर दे, या फिर आप सैड डीपी, सैड स्टेटस इसलिए लगाते हो कि वो आपकी कंडीशन पे देख के तरस खा जाए और शायद आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो याद रखिएगा, ये तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब वो आपकी लाइफ में है ही नहीं और जा चुका है तो आप अपनी लाइफ में केवल एक इंसान की वजह से ना खुश रहें, ये तो आप अपनी लाइफ के साथ इंसाफ नहीं कर रहे और सैड डीपी और स्टेटस लगा के आप उसको यही इंडिकेट कर रहे हो कि उसका लिया गया फैसला सही था, आपकी कंडीशन खराब है, आप इसी तरह रोते बिलखते थे और नाखुश इंसान के पास कोई नहीं आना चाहता तो वो आपकी लाइफ में तो आने से रहा। इसलिए सैड डीपी, सैड स्टेटस का इस्तेमाल ना करें, ये आपके लिए और आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये कॉमन मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ एक गलती लोग और करते हैं, लोग ये मैनिफेस्ट करते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। मैं मानता हूं वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए और आना भी चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि अगर उसके आने से
या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी बेहतर हो सकता है तो उस चीज को बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये फैसला इस बार आपको लेना ही पड़ेगा, सोच समझ के लेना पड़ेगा कि जो आपको छोड़ के गया था वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तैयार भी हो जाएगा, तो क्या आप आने वाली जिंदगी में उसके और अपने साथ और अपने रिश्ते के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे, आप उसके साथ खुश रह पाएंगे, वो आपके साथ खुश रह पाएगा, और क्या गारंटी है कि वो आने के बाद फिर से आपको धोखा नहीं देगा। तो इन सारे सवालों को लोग नहीं सोचते हैं, अपने आप से नहीं करते हैं, सही आंसर नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनकी आने वाली लाइफ और परेशानी में चली जाती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी गलतियां ना करें। इसके अलावा आप लोग एक गलती और करते हैं जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, वो है कि ब्रेकअप के बाद कई लोग बहुत ही जल्दी कहीं दूसरी जगह रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं ताकि वो इंगेज हो जाए, ताकि उनको अपना समय बिताने का मौका मिल जाए, ताकि आप जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं आपको इस अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़े और आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। तो याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी आप जल्दबाजी में फिर से उसी जहर को पीने को तैयार हैं जो एक बार आपका एक्स पार्टनर आपको पिला चुका है, तो आप अपने साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको दोबारा वो जहर पीना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी में बनाए गए रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, इसलिए जल्दबाजी में आप इधर उधर कहीं पे भी रिश्ते बनाने की कोशिश ना करें, सोच समझ के ही आगे बढ़े, ये लाइफ आपकी है और जिंदगी आपको बार बार मौके नहीं देती है, ये फैक्ट है। लोग सोचते हैं कि लाइफ है, आज हम ऐसा कर भी ले जाएं तो फिर शायद हमें अगला मौका मिल जाएगा, लेकिन याद रखिएगा जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। इसके बाद एक कॉमन मिस्टेक और है जो आप लोग ब्रेकअप के बाद बहुत लोग करते हैं, वो ये है कि आप अपनी लाइफ की बातें या अपने एक्स पार्टनर की बातें इधर उधर फैलाने लगते हैं कि मैं उसके साथ था तो मैंने ये किया, वो मेरे साथ थी तो ये हुआ, हमारे बीच ये हुआ, वो ये कहती थी, वो ये कहता था, ये सारी चीजें आपके जो पर्सनल मूवमेंट होते हैं उन्हें स्प्लिट ना करें, बाहर लोगों से ना फैलाएं, और आप अपने आप में एक चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि आपकी जिंदगी आपकी है, आपकी खुशियां आपकी है, और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए आप इन सब को दांव पे नहीं लगा सकते। ये तो बिल्कुल एक जुआ खेलने जैसा हो गया कि एक पार्टनर जो एक्स पार्टनर हो चुका है आपका, वो आपको छोड़ के भी जा चुका है, और उसके बावजूद आप अपनी लाइफ का फिर से जुआ खेलने के लिए तैयार है। तो अपनी जिंदगी को इतना सस्ता ना आके अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपनी जॉब, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी चीजों में ज्यादा फोकस करें ताकि आप खुश रहें। खुश रहने का अधिकार सबको है, आपको भी है। गलतियां होती हैं, आपने सही पार्टनर नहीं चूज किया था, आपसे गलती हो गई, वो आपको छोड़ के चला गया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो लाइफ में मान के चलिएगा कि हर एक मिनट 319 लोगों का, जी हाँ, हर मिनट 319 लोगों का ब्रेकअप होता है हर मिनट, और एक ही मिनट में 280 लोग प्यार के नए बंधन में बनते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड है जो मैंने एक जगह मैगजीन से उठा के आपको बताया है। ये रिसर्च स्टडी और एनालिसिस का विषय है, ये रिसर्च का डेटा है जो मैंने एक मैगजीन से लेके आपको बताया है। और आप इस चीज को याद रखिए कि ब्रेकअप हो जाना कोई बहुत बड़ी विशेष बात नहीं है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं परेशान हो गया, अब मेरा क्या होगा? तो एक व्यक्ति विशेष के लिए अपनी जिंदगी को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं, आपको अपनी खुशियों के लिए किसी के इर्द गिर्द जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसी जगह जहां पे आपकी नजर हमेशा पड़ती हो वहां पे केवल एक लाइन लिख के छोड़ दीजिए, और वो ये लाइन है कि तू तोड़े दिल मेरा, तेरी औकात नहीं है। जी हाँ, ये लाइन मनोवैज्ञानिक लाइन है। अगर आप इसको उस जगह पे लिख के चिपका देते हैं या रख लेते हैं जहां आपकी नजर बार बार पड़ती है, तो ये आप बात आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी और लाइफ में आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो ये कॉमन मिस्टेक थी जो आप लोगों को नहीं करनी हो। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपके इर्द गिर्द जो भी जरूरतमंद हो जो इस वीडियो से फायदा ले सकते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आप चाहें तो ये वीडियो देखें, आप चाहें ये वीडियो देखें, आप चाहें ये वीडियो देखें, आप चाहें चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, अपना इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय।